मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सुन ले ना यार। अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आप थक गए हो एक्सप्लेन कर करके अपने आपको, तो सब ब्रेक ले लो। और वो सुनिए, मतलब मैं सच्ची मेरे खुद में लाइफ में ना डेली यूज करने लग गया हूँ। तो जल्दी से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक भी नहीं देखा है, लाइक मतलब मुझे ओके आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ देम एंड मैंने इसे छुपा के रखे हुए हैं, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली ये वाला यूजर नेम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इट्स राही। Okay, let's call it that. So the question is, do you think Pooja ma'am will show her true colors soon? Plus, how do you guys tolerate Vivica? Honestly, Pooja ke true color J1 से मुझे लग रहा है वो उन्हीं के ऐसे colors हैं जो real हैं, वो ऐसी सुनिए वो ऐसी ही है। Upfront, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसे वो pretend कर रही है और कुछ ऐसा है जो भी unfold होना बाकी है। मतलब we don't like her actually, but वो at least real तो है, ये तो कहना पड़ेगा। So and what about Vivica? Tolerate मतलब बहुत मुश्किल है सच में उसको tolerate करना। हर episode ना pause कर करके बेबी का ऐसे रिएक्शन फिर शुरू हो गई। मतलब क्रिंज ऐसा होता है बिना किसी बात पे कैसे लड़ सकते हैं, वो आपको बेबी का से सीखना चाहिए। सीरियसली, नेक्स्ट इज बाय फूडी हुड, आप किस कंटेस्टेंट को पसंद कर रही हो एंड आपको मनीषा एंड अभिषेक की दोस्ती कैसी लग रही है, प्लीज बताएं। ऑनेस्टली मुझे अभिषेक और मनीषा ही पसंद है टेक्निकली, क्योंकि उसके अलावा मेरे को लगता है उस घर में मुझे ऑनेस्टली कोई और मुझे एक बहुत स्मॉल टाइम के लिए सेकंड वीक में फर्स्ट वीक में थोड़ा सा जिया ठीक लगी थी, बट उसने इतने बैक एंड फोर्थ फ्लिप मारे है ना कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं है, मैं बोल रही हूँ, सुन ले रहा। नेक्स्ट इज बाय आकाश, डू यू थिंक अभिषेक एंड बेबिका का लव हेट रिलेशनशिप बच्चा है? ऑनेस्टली मेरे को लगता है मनीषा की तरफ से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मनीषा ने बेबिका की तरफ से दो तीन हफ्ते हो गए अभी तक नाम नहीं आया इसको, मुझे लगता है बेबिका की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। वो मारती मारती रहती है यार, पिलो उठा उठा नहीं, हमेशा मैं बता रहा हूँ क्लियर एग्जांपल, उसको मजाक करना तो बहुत अच्छा लगता है, सहन नहीं होता। सो या, और दो तीन बार ऐसा भी हुआ है कि अभिषेक नॉर्मली उससे बात करने गया, जैसे वो अपना वो धरना देके सामान लेके बैठ गई थी गेट पे, वो उसको पानी पिलाने गया, तू कौन सा दूध कर रहा है, तू कौन सा पानी बॉटल फेंक देना, दैट्स नॉट राइट। कैसे इस इंसान से कोई कैसे बात कर सकता है दोबारा। नेक्स्ट इज बाय दिव्यांशी मीना, एवरीवन टारगेटिंग अभिषेक जस्ट लाइक हाउ एवरीवन टारगेटेड रुबीना इन हर सीजन, इजंट इट? ऑनेस्टली मेरे को थोड़ा रिजेम्ब्लेंस तो है, थोड़ा सा है, बट मुझे एक्चुअली उससे ज्यादा लग रहा है, एटलीस्ट क्योंकि रुबीना के पास अभिनव था, रुबीना आल्सो हैड फ्रेंड्स लाइक अली था, जैस्मिन थी, ये सब थे। ये गौतम गुलाटी टाइप्स मेरे को ये हो सकता है, ये गौतम गुलाटी टाइप्स ज्यादा लोन वॉरियर टाइप्स ऐसे वाला ये ज्यादा हो रहा है, बट आई गेस इस वीक सब कुछ चेंज हो जाएगा, मे बी ग्रुप्स वो होने वाले हैं, साइरस भी निकल गया है, लेट्स सी। Next is by Riya. What do you have to say about removing Abhishek from captaincy for the whole season? I think it was really unfair. क्योंकि ऐसा भाई पहले के seasons में ऐसा हुआ है कि मंडली भाई बनते ही रहते थे captain, मतलब उसमें क्या unfair है? अविनाश पलट गया वहाँ पे, और बाद में पूजा जी बोल रही है देखिए मुझे उसको देखना है bullshit reasons, मतलब पूजा ना सच में ऐसा लगता है पूजा बहुत टाइम ना रियलाइज कर लेती है उस शिट मेरी गलती थी, बट शी स्टिल वो लड़ती जाएगी उस पे, आर्ग्यू करती जाएगी, द सेम हैपेंस विद बेबिका, व्हेनेवर शी कवर्स अप फॉर बेबिका इट मेक्स द सेम सिचुएशन, तो बात ही मत कर, मैं तो मतलब मुझे उसको देख के मन करता है सर फोड़ लो ना तू मुक्का मार दियो, मतलब घुसंड मार दियो उसको कोई देखे तो। Next is by Devin Rupeja. You think that Jia is playing safe game? She is trying to make relationship with all. Your chuti sessions are love. Thank you so much. And yes. उसको हर किसी के आगे अच्छा बनना है। और उसे फलक का बेहतर बनना है। और पूजा के आगे देखा है उसको ऐसा लगता है क्लास मॉनिटर खड़ी है टीचर के आगे। क्लास मॉनिटर नहीं भाई, प्रिंसिपल खड़ी है सीधा। मॉनिटर कुछ नहीं। मॉनिटर खड़ी है प्रिंसिपल के आगे टीचर। अच्छा हाँ। मयूरेश आस्क्स, क्या मनीषा का एंटरटेनमेंट का कोटा अब खत्म हो गया है, क्या वो अब रेपिटेटिव लगने लगी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शी स्टिल एंटरटेनिंग, बट वो थोड़ा लॉस्ट हो गई है बीच में पिछले एक दो हफ्ते से, स्पेशली जब उसकी बेबिका से लड़ाई हुई थी ना, मुझे पता ऐसा लगता है बेबिका इतना गंदा कर देती है ना एनवायरमेंट को, मूड खराब हो जाता है ना, इतना बुरा मतलब इतनी गंदी वाइब हो जाती है ना ऑल अराउंड कि आपका फिर एक्चुअली मजाक करने का मन नहीं करता। अभिषेक के साथ भी किया था ये, वो जो फेस रीडिंग वाला वो सब हुआ था, उसके बाद दो तीन दिन ही वो लाइक जस्ट पीछे टेकन अ बैक, तो सेम मनीषा का भी हुआ था, लेकिन अब आई फील पिछले दो चार पांच दिन से
अगेन फिर से वो फ्रेंड्स बनी है, फिर से सब कुछ नॉर्मल हुआ है, तो वो फिर चर्पी हो गई है, फिर वो जाप के साथ भी मजाक कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट. प्रिंस शर्मा, इट्स नॉट लाइक जिया इज डम डमर डमेस, व्हाट डू यू थिंक? यार डम तो नहीं बोल सकते, मेरे को लगता है थोड़ा मतलब नाइव लगती है मुझे. कहीं पे वो ओवर स्मार्ट है, कहीं कहीं पे वो डम है. क्योंकि वो जो सबका बोलने के बाद भी जाके मैं कर लेती हूँ बात, और उसके बाद मैं ऐसा कर दूंगी फिर मैं नहीं. और मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी पिछले दो दिन से शी वाज एग्जॉस्टेड कि भाई उसको फलक और अविनाश के सामने इतना अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ऑल ऑफ दैट. एंड में जाके फिर वो फलक को जाके ऐसे हक करके आती है, एंड देन दे लाइक ऑल पैली एंड एवरीथिंग. मतलब यार अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आप थक गए हो एक्सप्लेन कर करके अपने आप को, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आप फिर पहुंच जाते हो उनके पास ऐसे उनको हक करने. फलक अविनाश और इनका तो इसका मुझे समझ, फलक अविनाश और जिया का तो मेरे को समझ ही नहीं आता. ये जो बैठते हैं और तीनों बात करते भाई, अजीब क्रिंज. लाइक एवरीबॉडी इज जजिंग ईच अदर सो हार्ड और बातें सुना रहे होते हैं. मतलब ऐसा लग रहा है लाइक शादी में कोई चार रिश्तेदार बैठे हैं हु हेट ईच अदर अंदर से, बट उनको स्मॉल टॉक बनानी पड़ रही है. लिटरली ऐसा फील होता है. दीपिका आस्क्स, डू यू थिंक अविनाश इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लव एंगल विद फलक नाश अननेसेसरीली एज ही हैज नथिंग एल्स? मुझे 100% ऐसा लगता है. हां मतलब यार आपको, और वैसे भी ना उसके दिमाग में खुद आइडिया नहीं आया था, किसी ने वो प्लांट किया था और फिर उसके बाद जब उसको बोला, शो में आपको कोई जरूरत नहीं है. हाँ, जिया और जार ने आपको बोला कि ऐसा वी सी सम स्पार्क देयर एंड दिस एंड दैट, उसके बाद उसको दिमाग में आया यस दिस आई कैन डू. उसको वैसे ही बोला गया कि आप स्पेक्टेटर हो, आप कुछ नहीं करते, आप ये हो, तो आप उसको मेन स्ट्रीम में आने के लिए यही कर लेता हूं मैं ये. और फलक ने फ्रेंड जोन कर दिया सीधे सीधे. ओके, नाउ ऑन टू यूट्यूब के क्वेश्चन. सो प्रेक्षा भाटी सेज, डोंट यू थिंक कि अभिषेक के अलावा सब कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में हॉलीडे मनाने आए हैं? ऑनेस्टली ऐसा ही लग रहा है, स्पेशली साइरस आई फील. अविनाश कुछ नहीं कर रहा है और फलक भी हार्डली कुछ कर फलक ने कल परसों से करना शुरू ज्यादा ही शुरू कर दिया. तो उसके अलावा जैट, जैट तो क्लियर इंटरनेशनल हॉलीडे में मनाने आया है. तो आई फील या लॉट ऑफ देम. बाय द वे लव योर जुगली सेशन, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पूजा खुशवाहा सेज, अविनाश एंड फलक क्या आइडियल मैच बन सकते हैं? और थोड़ी कैलकुलेशंस के हिसाब से आई एम डूइंग पूरा नहीं है. हर्षिता राणा says, don't you think that one, Jia is so confused in this game. Sometimes she is like, I will never talk to Avinash, but sometimes she is like, he is my best friend. Yes. और ये Jia का हर किसी के साथ है. क्योंकि उसको सबसे बनानी है. Especially Pooja, as I said. First, everyone was targeting Abhishek, but now when they have realized Janta is supporting him, everybody is trying to be friendly with him. Yes. संजीव रॉय सेज, भाई ये फलक और अविनाश गेम में बस चुगली के अलावा कर क्या रहे हैं? आपके हिसाब से टॉप 5 कौन डिजर्व करते हैं? यार मैं ना एक्चुअली कल इसको यही बोल रही थी कि मेरे को पता नहीं अविनाश को देख के ऐसा लगता है कि इसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये सिर्फ चुगलियां बातें. मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो आया था हमें लगा था कि इट विल बी लाइक यू नो दैट पर्सनालिटी, कुंद्रा टाइप, लाइक सिद्धार्थ शुक्ला टाइप पर्सनालिटी. एंड टॉप 5 क्लियरली 1 अभिषेक, 2 मनीषा. ये तो मेरे को लगता है मतलब हो ही गया है, फाइनल हो चुका है ये. थर्ड द बेबी का आई वुड से, अबे चल, अरे मतलब रैंकिंग बिल्कुल नहीं, रैंकिंग नहीं देना, पर वो फिनाले में जाएगी मैं ये बोल रही हूं. नहीं जाएगी, लिख के ले ले, बिल्कुल फिनाले से पहले निकलेगी. वो अर्चना कॉटन टाइप्स, नहीं अर्चना, अर्चना बहुत गुड यार, अर्चना कहीं एटलीस्ट मतलब वो एंड में निकाल देते अर्चना. ठीक है, अर्चना ने जो किया एक अच्छा मतलब थी, अच्छी जात थी एट द एंड ऑफ द डे अर्चना. ठीक है, और आल्सो एंटरटेनिंग कभी कभी. तो आई वुड से थर्ड पूजा, बट फोर्थ मेरे को नहीं पता. फोर्थ जैड आई गेस, जैड जा रहा घर अपने, जैड नहीं जाएगा. जैड को वोट अच्छे आते हैं, मैंने देखा है ऑनलाइन. वो अब धूप बड़े शॉर्ट आउट देते हैं यार उसको. ठीक है, और फिफ्थ फलक और अविनाश. फलक अविनाश नहीं प्लीज, बेबी का मैं बोल रही हूँ चली जाएगी भाई टॉप 5 में, क्योंकि और है ही नहीं कोई ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है. हाँ देन बेबी का मे बी, ए जिया, जिया कैन बी. Okay, we'll see. Okay, Isha says, not a question, but I really wanted someone to come and shout at Pooja, but the way baby got us, same. मतलब somebody, मतलब मेरे को लग रहा है कोई तो करेगा, किसी दिन किसी का तो फटेगा के पूजा भट्ट के हाँ चलो बस हो गया. कोई आएगा महेश दल्ले कर ही देगा. बहुत इंपॉर्टेंट है पता है उसको फॉलो आउट करना, क्योंकि भाई अगर आप ऐसी चीजों को रोकोगे नहीं ना तो वो चलती रहती है. एंड जस्ट सी 3 हफ्ते हो गए कोई बोल ही नहीं रहा. एपिसोड कुछ हुआ है ना कल, किसी को हम बोल रहे थे कि अरे कैसे बात कर रही है. हाँ जिया से कि वॉशरूम साफ करने पे वो जिया ने उसको बताया नहीं एंड ऑल दैट. हाँ यू माइंड योर वर्ड्स विद मी दलाल, माइंड योर
आपको इतनी कॉर्टेसी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल है ही नहीं, फीलिंग ही नहीं है किसी के लिए, मतलब वो बेचारी मतलब कुछ करे तो सुने ना करे तो सुने, नहीं मतलब ठीक है उसकी कैप्टनसी है मेस्ड अप, बट इतना नहीं कि उसको करने की जरूरत है। आई डोंट नो व्हाई बट शी इज लाइक द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल हु यूज्ड टू टेल अस नॉट टू पुट नेल पॉलिश, ट्रू, यू गाइस हैव टू हैव पर्टिकुलर हेयर स्टाइल एंड थ्रो अस आउट ऑफ द क्लासरूम एट एग्जाम हॉल जस्ट बिकॉज़ आई हैव अ I asked for a pencil from my friend. That's true, yaar. Actually, मेरे को लगता है सिर्फ हमारे स्कूल में होते हैं। हाँ। नहीं प्रिंसिपल हमारी भी ठीक थी। इंचार्ज मैम हमारे। प्रिंसिपल सब ऐसे होते हैं। मुझे लगता है सिर्फ हमारे स्कूल में होता है। सब क्या होता है? But never say a single word to her own child like Babika and Falak. Yes, very true. और पता है मैंने notice करा है, sorry to say, अब हम मतलब बोल सकते हैं, but school में हम there were like a few teachers जिनके बच्चों को भी हम जानते थे। भाई तुम्हारे बच्चे सबसे ज़्यादा गुल खिला रहे होते हैं। भाई और आज भी हमें इतने सारे secrets पता है ना, बच्चे उनके कहाँ क्या कर रहे होते हैं और school में ऐसे दिखा रहे होते हैं कि hello we are the best teachers, we are the best parents, okay? और ये generally भी होता है, the strictest parents have the children who hide the most true. Anyways, love you too both. Thank you so much. Especially Shivam. Thank you. His Shadow Jao is going to be forever iconic in YouTube history. I wish mere wale memes aur references ko YouTube India mein itni wo milti mere to sachi dekho nice to acha hai Arjuna ki mimicry Rakhi Arshi ke time se kya karta hua aa raha hai and on point aur wo suniye matlab main sachi mere khud mein life mera daily use karne lag gaya hu. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल इफ देयर आर लाइक अगर 10-15 लोग भी हैं जो मेरी पता है रेफरेंस का. आई एम वेरी हैप्पी. ही वाज माय हैप्पी पिल ड्यूरिंग कोविड व्हेन आई वाज सिक. ओह थैंक यू सो मच एंड गॉट टू नो रिधिमा दी बिकॉज़ ऑफ चुगली सेशन. नॉट गोना लाई बट आई लाइक ब्लूपर्स मोर. इट्स एग्जैक्टली लाइक मी एंड माय ब्रदर. लव यू बोथ फ्रॉम बांग्लादेश. थैंक यू सो मच. लव फ्रॉम दिल्ली. आल्सो हमें लगता है वैसे वो सारे ही सिब्लिंग्स की जो बातें होती है ना वो रिलेटेड. हां आल्सो या वी आल्सो एग्री कि ब्लूपर्स काफी बार मेन वीडियो से ज्यादा फनी होते हैं. So yeah, Rakhi Chuk says there are rumors that Elvis Yadav is coming. Is it true? I think it is true. He has entered. I think. I've also heard. Huh? Is this true? How will it affect the game of Abhishek? By the way, loving all your videos, Shivam Bhai and Ridhima Di. Thank you so much. ये बहुत difficult हो जाएगा. But personally, we have never seen like seen, Elvis के videos. और also ये depend करता है Abhishek की कैसी equation है Elvis के साथ. तो वो अपने आप मतलब like मैंने पहले भी बोला है वीडियो में कि apart from the YouTuber thing, अगर देखा जाए तो भी Abhishek has played amazingly well. हाँ. कुमारी से डोंट यू थिंक फलक अब दिखने के चक्कर में ज्यादा ओवर कर रही है. ट्रू उसे लग रहा है कुछ बोल देती हूँ एटलीस्ट फुटेज तो मिलेगी. राइजिंग ऑफ न्यू बेबी का दैट्स एक्चुअली ट्रू. हां उसकी बहन आई और उसकी बहन ने उसको बोला कि नहीं मुझे उसकी बहन ज्यादा अच्छी लगी. एक्चुअली उसकी बहन थोड़ा ज्यादा है स्ट्रांग लग रही थी. ट्रू लेकिन वो बोल के गई है उसको तो अब उस अंदर फलक को लग रहा है कि भाई मेरे को किसी ने पंप मार दिया अब तो मैं लड़ूंगी. अब मैं बिना बात के लड़ूंगी. वो जिया से इवन बेबी का वो सेइंग कि ये तो अलग ही आजकल चल रही है. जिया से लड़ रही है वो बिना बात के यार. हाँ. जो पॉइंट इवन पूजा नॉमिनेटेड है रही है भाई क्या मतलब बंदी बदल गई है. तो तरन्नुम सेज जस्ट एन ओपिनियन. अब थोड़ी थोड़ी बेबी का अच्छी लग रही है. डोंट नो व्हाई बट अच्छी लग रही है. एटलीस्ट फलक से तो बेटर ही है वो. दैट आई फलक से बेटर है एटलीस्ट. हां बट मुझे लगता है जो उसके मजाक वाले पार्ट्स होते हैं ना जैसे अभिषेक के साथ भी या स्पेशली मनीषा के साथ वो सही होते हैं. हाँ. बाकी जैसे शुरू में तीनों फ्रेंड्स थे तो ये बहुत मस्ती करते थे. हाँ. एंड अभी बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी तो ये सब खराब हो गया था. लेकिन अभी मेरे को लगता है हाँ वो वापस से थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रही है पर वो उस लेवल पे ठीक नहीं होएगा. बट मेरे को लगता है आई कैन नेवर लाइक हर क्योंकि वो जो वो कॉन्स्टेंट नैगिंग उसकी है ना और वो बहुत गंद बोलती है और वो सारा कुछ करके ब्लेम दूसरे पे डालने की वो जो टैलेंट है हर चीज में तूने ऐसे क्यों कर दिया यार. हाँ. तू ऐसे कैसे कर सकती है यार मैं तेरे को बोल रही थी यार तूने सुना नहीं यार यार तू ऐसे कैसे कर सकता है यार सब मेरे पीछे पड़ रहे थे यार. बस कर कुट मेरे को बंद कर. तेरे को पता है मैं कोई किसी की याद दिलाता है. ओके सो दिस लास्ट वन इज द रैपिड फायर. शलिनाज आस्क First of all, thank you guys for making me laugh with every video that you post. Thank you so much. Secondly, decoding BBOTT2. One, Abhishek clear winner. Yes. Pooja #Devi as per makers and Komolika as per the audience. Very well said. Three, Manisha #DesiGirlWives. That's also very true. That's true. But usko ab na dobara se aur karne ki zarurat hai. Wo pichle 2-3 hafte se as Nikitam Bollywood se. Four, Babika cause koi hona chahiye end mein suitcase lene ke liye. Akar aa gaya.
मुझे तो लगता है वो पता नहीं ब्रीफकेस से भी पहले निकल जाएगी। और मुझे ये नहीं पता ऑनेस्टली, मैंने पिछला सीजन नहीं देखा पूरा, ओटीटी में ब्रीफकेस होता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने नहीं देखा बिल्कुल भी। फिफ्थ जाट हैशटैग मेहमान नवाजी भी तो करनी है। हां दैट्स ट्रू, मेरे को लगता है सब उसके खाने पीने का ध्यान और इधर उधर उसको कंफर्ट रहे एंड ऑल दैट। उसको थोड़ी सी भी हिंदी आती होती है मेरे को लगता है, थोड़ा आसान होता है। अब्दू को गानों के चक्कर में थोड़ी बहुत आती थी। 6 7 एंड 8 जिया अविनाश फलक ऑडिशनिंग वेरी वेल फॉर फ्यूचर सीरियल्स वेब सीरीज म्यूजिक वीडियोस। होप यू विल अग्री विद माय एनालिसिस, दैट्स इट इज वेरी मच ऑन पॉइंट यू नो। एंड यस, मेरे को भी लगता है कि ये फलक वगैरह सब ना अपने थोड़ा एक्टिंग एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं, तो यार डेफिनेटली फलक तो हर एपिसोड में ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू ऑल ऑफ आर चैनल्स। एंड इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली मैं वहाँ पे स्टोरी डालती हूँ ताकि आप लोग मेरे को क्वेश्चंस भेज सको, तो प्लीज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड दिस वॉज इट, जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय बाय।